के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। क्राइम ब्रांच ने शातिर असलाह तस्करों के गैंग पर कसा शिकंजा, सरगना मनीष तिवारी को उसके गुर्गे समेत किया गिरफ्तार। पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस सहित चोरी की एक बाइक की बरामद। मणालू जैन नानिकल की अध्यक्षता में संपन्न हुई JEAES टास्क फोर्स की बैठक। गांवों में साफ सफाई, फॉगिंग संबंधी अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, खलल डालने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। अवैध मिट्टी खनन के विरुद्ध ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर प्रथमेश कुमार ने की बड़ी कार्रवाई। 3 डंपर, 3 JCB व 1 पोकलेन को किया सीज। किया बेलीपार थाने को सुपुर्द। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा शौदों को दिए गए रेड कार्ड धारकों की पुलिस लाइन में SP सिटी ने की काउंसलिंग। कहा, महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बदलें अपना नजरिया, बनाए समाज में अपना उचित स्थान। बच्चा चोरी की अफवाह थमने की नहीं ले रहा है नाम। बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक विक्षिप्त महिला की जमकर की पिटाई। SP साउथ ने कहा, सभी थानेदारों को दिया गया है निर्देश, गांव स्तर पर लोगों को करें जागरूक, अफवाहों पर ना दें ध्यान। SSP की अध्यक्षता में संपन्न हुई थानों के बीट 1 व बीट 2 पर नियुक्त उप निरीक्षक व हल्का प्रभारी की बैठक। बीट बुक को तैयार करने के दिए निर्देश। प्रेरणा ऐप के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग परखेगा स्कूलों में शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। BSN ने कहा, 5 सितंबर को लॉन्च होगा प्रेरणा ऐप। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक। पात्र कृषकों को KCC से संतृप्त किए जाने सहित शासकीय योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। बेलीपार पुलिस ने कच्ची शराब के बड़े अड्डे पर की छापेमारी। हजारों कुंतल लहन और कच्ची शराब को किया नष्ट। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक। युवाओं को खेल कूद में बढ़ावा देने पर बनी रणनीति। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह में पर्यावरण व सतत विकास विषय पर आयोजित किया गया व्याख्यान। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ने रखे अपने विचार। बेलीपार थाना क्षेत्र में पशु चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांग को माने जाने की मांग। इमामबाड़ा मुतवालियान कमेटी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी के लोगों ने जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग। DVNDC के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह में भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जल है तो कल है विषय पर छात्र छात्राओं ने रखे अपने विचार। बिना मुआवजा के जमीन अधिग्रहित करने के संबंध में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन। ADM सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित, सौंपा ज्ञापन।